राजधानी देहरादून में आज परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि स्कूली बच्चों को सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से जागरूक किया गया। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि इस सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से सांप काटेगा भी और सीढ़ी के ऊपर भी चढ़ाएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि हर स्टेप आपको यातायात नियमों की जानकारी देगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हर स्टेप पर अलग अलग बॉक्स में यातायात के नियमों की जानकारियां दी गई है और जो इस प्रतियोगिता में विजय हुआ उसे आरटीओ के द्वारा सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो परिवार की अर्थव्यवस्था है उसको चलाते हैं तो वो लोग इसमें उनकी मृत्यु हो रही है या घायल हो रहे हैं और इसका जो इलाज का खर्च है वो भी बहुत ज्यादा है। कई बार है कि गाड़ी एकदम सटी हुई चलती है, एकदम लगी हुई, वहाँ अगर आगे वाले ने आप उसने ब्रेक मार दिया तो पीछे वाले का टक्कर लग जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, करने से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, जो दुर्घटनाएं होती हैं मोबाइल में बात करते समय क्या होता है कि आधा दिमाग आपका मोबाइल पे बात करने में लगा हुआ है और हाफ माइंड से आधे दिमाग से आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो हम बच्चों को आरटीओ ऑफिस देहरादून में इन्वाइट करते हैं, पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाते हैं। आज इसी रेफरेंस में हमारे यहाँ एमकेपी पीजी कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ आई हैं। ये एनएसएस में भी एक्टिव हैं, पूरा एनएसएस का ग्रुप है, राष्ट्रीय सेवा योजना की जो लड़कियाँ हैं हमारे पास आई हैं। तो हमने एक बार पूरे ऑफिस का भ्रमण करवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस के बारे में बताया गया इनको, रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी परिवहन विभाग में क्या क्या काम होता है सब जगह इनका भ्रमण करवाया गया।